उस दिन सवेरे 6 बजे मैं अपने शहर से दूसरे शहर जाने के लिए निकला। मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा, पर देरी से पहुंचने के कारण मेरी ट्रेन निकल चुकी थी। मेरे पास 9:30 की ट्रेन के अलावा कोई चारा नहीं था। मैंने सोचा कि कहीं नाश्ता कर लिया जाए। बहुत जोर की भूख लगी थी। मैं होटल की ओर जा ही रहा था, अचानक रास्ते में मेरी नज़र फुटपाथ पे बैठे 2 बच्चों पे पड़ी। दोनों लगभग 10-12 वर्ष के रहे होंगे। बच्चों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। कमजोरी के कारण फेफड़े साफ दिखाई दे रहे थे। वे भूखे लग रहे थे। छोटा बच्चा बड़े को खाने के लिए बार बार कह रहा था। बड़ा उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। मैं अचानक रुक गया। दौड़ती भागती जिंदगी में यह ठहर सा गया। जीवन को यह देख मेरा मन भर आया। सोचा इन्हें कुछ पैसे दिया जाए। मैं उन्हें 10 रुपए देकर आगे बढ़ गया। तुरंत मेरे मन में एक विचार आया, कितना कंजूस हूं मैं, 10 रुपए में क्या मिलेगा, चाय तक ढंग से ना मिलेगी। स्वयं पे शर्म आई और फिर वापस लौटा। मैंने बच्चों से कहा, कुछ खाओगे? बच्चे छोटे मुझे अचंभे से देख रहे थे। मैंने कहा, बेटा मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ, तुम भी कर लो। वे दोनों भूख के कारण तैयार हो गए। उनके कपड़े गंदे होने के कारण होटल वाले ने डांट दिया और भगाने लगा। मैंने कहा, भाई साहब इन्हें खाना जो है उन्हें दे दो, पैसे मैं दे दूंगा। होटल वाले ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में उसके बर्ताव के लिए शर्म साफ दिखाई दे रहा था। बच्चों ने नाश्ता, मिठाई और लस्सी मंगवाई। सेल्फ सर्विस के कारण मैंने नाश्ता बच्चों को लेकर दिया। बच्चे जब खाने लगे, उनके चेहरे पे खुशी की जो निराली परत थी वो मुझे बहुत सुकून दे रही थी। मैंने बच्चों को कहा, बेटा अब जो मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं शैम्पू ले लेना और हैंडपम्प के पास जाकर नहा लेना, और फिर दोपहर शाम का खाना पास के मंदिर में चलने वाले लंगर में खा लेना। और मैं नाश्ते के पैसे देकर फिर अपनी दौड़ती भागती दिनचर्या की ओर बढ़ निकला। वहाँ आसपास के लोग मुझे सम्मान के साथ देख रहे थे। होटल वाले के शब्द आदर में परिवर्तन हो चुके थे। मैं स्टेशन की ओर निकला। थोड़ा मन भारी लग रहा था। मन थोड़ा उसके बारे में सोचकर दुखी हो रहा था। रास्ते में मंदिर आया। मैंने मंदिर की ओर देखा और कहा, हे भगवान आप कहाँ हो? इन बच्चों की ये हालत, ये भूख आप कैसे देख सकते हो? दूसरे ही क्षण में मेरे मन में विचार आया, पुत्र अभी तक जो नाश्ता दे रहा था वो कौन था? क्या तुम्हें लगता है अपनी सोच से किया है? मैं स्तंभ रह गया। मेरे सारे प्रश्न समाप्त हो चुके थे। ऐसा लगा जैसे मैंने ईश्वर से बात की हो। मुझे समझ आ गया था, हम निमित्त मात्र हैं, उनके कार्य कलाप वो महान है। भगवान हमें किसी की मदद करने तभी भेजता है जब हम उस लायक होते हैं। किसी मदद को मना करना वैसा ही है जैसे भगवान के काम को मना करना। अंततः आपको कोई भूखा या लाचार मिले या आपको कुछ खाने के लिए मांगे तो आप अपनी समर्थ अनुसार जरूर मदद करें, क्योंकि स्वयं भगवान ने आपको चुना है। चलिए आज की सुहानी सुबह शुभारंभ करें कुछ ऐसे संकल्प ले, साथ ही भिक्षावृत्ति को हम बढ़ावा ना दें, लेकिन लाचार और भूखे की मदद हम जरूर करें। ईश्वर से प्रार्थना हमें सद्बुद्धि प्रदान करे और इस लायक बनाए। हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। पहले अपने आप सुधारे, आओ यारो मिलजुल कर हम मानवता का रूप निखारे। तो दोस्तों आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।